हाय गाइस, तो मैं आपकी जान और मेरा नाम गुरुप्रीत सिंह। तो गाइस, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मोबाइल फ़ोन को 100% चार्ज क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसके पीछे की वजह क्या है, वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, मोबाइल फ़ोन आज हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। ऐसे में इसका इस्तेमाल भी काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन जब आप मोबाइल को चार्ज करते हो तो उसे 100% चार्ज नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाइस मोबाइल को 100% चार्ज करना फ़ोन की बैटरी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। दरअसल मोबाइल की बैटरी लिथियम आयन की बनी होती है। लिथियम आयन की बैटरी उस वक्त बेहतर काम करती है जब उसकी चार्जिंग 30-50% के बीच में होती है। अगर आप हमेशा उसे 100% चार्ज करेंगे तो इससे आपके फ़ोन की बैटरी ख़राब भी हो सकती है। तो गाइस, अब तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन आगे चल के हम और कुछ फैक्ट जानेंगे कि हमें फ़ोन को कैसे चार्ज करना चाहिए। तो गाइस, पहला तो ये है कि हमें पूरी रात फ़ोन को चार्ज में नहीं लगा के रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग अक्सर दिन भर फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और रात को सोते समय उसे चार्जिंग पर लगाकर सो जाते हैं। लेकिन ये गलत आदत है, क्योंकि रात को चार्जिंग पर लगाकर फ़ोन 100% चार्ज हो जाता है, या अगर हम देखें तो वो 100% से और ज़्यादा भी चार्ज हो जाता है। इससे फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और हमारे जेब से पैसे खर्चने पड़ते हैं। तो गाइस, दूसरे नंबर पर हम ये देखेंगे कि बेड पर रख के फ़ोन को चार्ज क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाइस चार्जिंग के दौरान फ़ोन गर्म हो जाता है। ऐसे में अगर उसे बेड पर रखकर चार्ज किया जाएगा तो कई बार इससे आग भी लग सकती है, क्योंकि दरअसल चार्जर की कोई साइड सही नहीं होती। उसमें अगर थोड़ा भी स्पार्क हुआ तो यह भयानक हादसे में बदल सकता है। तो गाइस, तीसरे नंबर पर हम देखते हैं कि फ़ोन की बैटरी को 30% से कम क्यों नहीं होने देना चाहिए। तो फ़ोन को पूरी तरह डिस्चार्ज होने पर चार्ज करना सही नहीं है। जब आपके फ़ोन की बैटरी 30% से नीचे जाती है तो तभी उसे चार्जिंग पर लगा देना चाहिए, क्योंकि गाइस जब ये ज़्यादा कम हो जाती है तो भी ये नुकसानदायक हो सकती है। तो चलिए देखते हैं चौथे नंबर पे हमें क्या देखना है। तो गाइस, चार्जिंग के दौरान हमें फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए, जो कि आप सबको पता है, बट आप लोग इसे मानते नहीं हो। फ़ोन को चार्जिंग पर लगाकर इस्तेमाल करना बहुत गलत होता है, क्योंकि चार्जिंग के दौरान फ़ोन को इस्तेमाल नहीं करने से यह जल्दी चार्ज होता है, और अगर आप इसे इस्तेमाल करते रहेंगे तो यह चार्जिंग में समय लेगा और गर्म भी होगा, और जिसकी वजह से बैटरी के फटने का भी डर रहता है। तो गाइस, अब मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें जान ली होंगी। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर अभी तक आपने अपनी जान का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक करिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए और अब बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।